हेलो दोस्तों, मैं पारुल त्यागी, आपका स्वागत है लविंग गार्डन पर। आप सब कैसे हो? ये देखिए दोस्तों, आज फिर आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरे प्लांट में चींटियाँ आ गई हैं। ये देखिए कितनी सारी चींटियाँ हैं। तो चींटियाँ हमारे प्लांट को क्या नुकसान करती हैं? चींटियाँ जो हैं ये हमारे प्लांट्स की जड़ों को खोदना स्टार्ट करती हैं। तो जड़ें खोदने से इनकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि जड़ों में से ये मिट्टी निकाल देती हैं। तो मेरे पास क्या चीज़ है जो मैं इनमें डालूँगी ताकि ये चींटियाँ चली जाएं और मरे भी नहीं, क्योंकि मारना भी अच्छा नहीं लगता ना। तो दोस्तों ये देखिए, ये मेरे पास है काली मिर्च पाउडर, जो अधिकतर सभी के घरों में होता है काली मिर्च पाउडर। हम क्या करेंगे, ये ज़्यादा चींटियाँ हैं इसलिए हम इसमें से टू, इतना देखिए इतना लेके, इतना इतना लेके हम इसमें से 2 स्पून डाल देंगे अपने प्लांट्स में। ये ऐसे डाल देंगे, ये देखिए ये मैंने डाल दिया है। ये देखिए दोस्तों, आप रिज़ल्ट देखना चाहेंगे इसका? ये देखिए, ये डालते ही ये देखो कैसे भागने लग गई है। ये देखो दोस्तों, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो डालते ही ये देखिए कैसे भागना स्टार्ट कर दिया है इन्होंने, चींटियों ने। ये हमारे प्लांट्स को ख़राब कर देती है नीचे से जड़े खोद खोद के, मिट्टी निकाल निकाल के, फिर प्लांट सूखने लग जाते हैं। अब इसे डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये काली मिर्च पाउडर पूरा नीचे तक चला जाए। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है। चींटियाँ अधिकतर प्लांट पे आ ही जाती हैं, तो इनसे बचने के लिए ये सबसे अच्छा घरेलू नुस्खा है, जो कि मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। आप भी एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए, फिर बताना मुझे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना इसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिला है, है ना दोस्तों। ये देखिए मैंने जहाँ जहाँ डाली थी आप देख रहे हैं, ये देखो मैंने जहाँ जहाँ ये डाला एकदम से चींटियाँ दौड़ना स्टार्ट हो गया। ये देख लो, नहीं है देखो, सारी चींटियाँ नीचे उतर गई पॉट से, देखो। तो दोस्तों ऐसे ही अपने किचन से अपने छोटे छोटे सामान लेके अपना ट्राई कर करके देखते रहिएगा, कोई ना कोई तो रिज़ल्ट मिलेगा ही। एनियम पर कितना प्यारा फूल आया हुआ है, साथ ही साथ आपको अपना पोट भी दिखाती हूँ। मैंने एक पोट तैयार किया है, ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा पोट, ये देखो ये मैंने तैयार किया है। इसकी वीडियो भी बनाऊंगी एक दिन, आपको दिखाऊंगी मैंने ये कैसे तैयार किया है। ये मैंने इसमें प्लांट भी लगा रखा है, कितना अच्छा ग्रो कर रहा है ये देखो, दिखाऊंगी आपको भी कि मैंने ये कैसे बनाया है। ये कोकोनट ऑयल का जो खाली डब्बा हम फेंक देते हैं, ये वही है दोस्तों। तो चींटियों का तो आज आपको पता चल गया कि कैसे भगानी चाहिए चींटियाँ। और दोस्तों आप अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना ज़रूर,
ये देखो अलमंडा पे भी कितना प्यारा फूल आया हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये देखो, ये देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर आए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, और दिखाती हूँ मैं मेरे पॉट पर पिंक कलर के, ये देखो छोटे छोटे पिंक कलर के, ये आपको दिख नहीं पाएगा, इधर से दिखाती हूँ। ये देखो पिंक कलर के छोटे छोटे प्यारे प्यारे फ्लावर, आज तो गार्डन में बड़े सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। तो ऐसे ही छोटे छोटे काम करते रहिए, खुश रहिए दोस्तों, और क्या है ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं है, अपना खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ये देखो दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।